हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई सेशन के अंतर्गत हम आप लोगों को यूनिट वन टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले इस चैप्टर के बारे में, सिलेबस के बारे में जान लें। तो जान मतलब पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप उस सिलेबस को जरूर एक बार इंट्रो कर लें, और जो सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यूनिट जो टॉस में पढ़ना है, टॉस का मीन्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ना है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस समझाए थे सिलेबस में, फिर भी आपको फिर से इंट्रो कराते हैं। डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस होता है, कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर लोड डायरेक्ट आ रहा है, तो लोड कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। अब डायरेक्ट के मतलब क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर लोड डायरेक्ट आना। कहाँ से भाई? तो एक्सटर्नल से लोड डायरेक्ट आना। इंटरनल से कभी भी लोड डायरेक्ट नहीं आता है, इंटरनल से डायरेक्ट लोड कैसे आएगा जी? जितना इंटरनल फोर्स लगा रहा होगा उतना ही ना लगाएगा, उससे ज़्यादा तो लगा नहीं सकता, उसका कैपेसिटी जितना होगा। लेकिन जो एक्सटर्नल लोड होता है वह एक्सटर्नल कितना भी आ सकता है, उसी को यहाँ पर जानेंगे। डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस के मतलब होता है, स्ट्रेस के मतलब ही होता है, स्ट्रेस के मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। जो कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंतर्गत जो हम स्ट्रक्चर पे फोर्स लगा रहे हैं उसमें कितना स्ट्रेस उसमें आ रहा है, फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो ही स्ट्रेस कहलाता है। अब स्ट्रेस आता है कि बेंड स्ट्रेस तो समझ गए, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस है। तो बेंडिंग स्ट्रेस मतलब उस स्ट्रक्चर पे जो लोड अप्लाई हो रहा है उसके कारण कितना वह बेंड कर रहा है, कितना वह मुड़ रहा है, उसको बेंडिंग स्ट्रेस कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे डायरेक्ट, जो यहाँ पर लिखा गया डायरेक्ट, तो उस पहला पॉइंट मेरा जो है वह डायरेक्ट लोड है। यहाँ पर नोट्स नहीं करवाएंगे, आपको समझाएंगे, और नोट्स आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं उसके बाद हम नोट कर लेंगे। डायरेक्ट लोड करने का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल डायरेक्ट लोड आता है, कहाँ? सेंट्रोइडल एक्सिस पे। सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है, जिसको हम सीजी के नाम से जानते हैं, सेंटर पे, यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब होता है वैसा एक्सिस। यहाँ जो एक्सिस है वह यह इसका सेंटर यहाँ पर है, यानी कि दो एक्सिस को जहाँ पे काटता है उसको सेंट्रोइडल एक्सिस के नाम से जानते हैं। दो एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटता है, जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। जानेंगे कि सेंट्रोइडल एक्सिस पे जो एक्सटर्नल लोड मेरा लग रहा है वह सेंट्रोइडल एक्सिस पे लोड लगने के कारण कितना लोड लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, ये जानेंगे। तो डायरेक्ट लोड का डिफिनेशन देखा जाए तो डायरेक्ट लोड का डिफिनेशन होता है कि द एक्सटर्नल लोड विच इज एक्ट इन डायरेक्ट डायरेक्ट सेंट्रोइडल एक्सिस। मतलब जो आपका एक्सटर्नल लोड है वह डायरेक्ट सेंट्रोइडल एक्सिस पे एक्ट करेगा, डायरेक्ट लोड के नाम से जानेंगे। जैसे आपका यह एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, आरसीसी का जो भी कह सकते हैं आप, यह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसका सेंट्रोइडल एक्सिस के बात करें तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो आपका है वाई एक्सिस होगा, ये जो होगा आपका वह एक्स एक्सिस होगा। ऐसे भी हम जानते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो सेंटर लाइज करता है, सीजी जो लाइज करता है वह मिड में करता है। तो ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया है, और एक्सटर्नल लोड जो ऐड कर रहा है वह डायरेक्ट सेंटर पर ही ऐड कर रहा है। यहाँ पर एक्सटर्नल लोड को पी से डिनोट किया गया, किसे पी से डिनोट किया गया है, एक्सटर्नल लोड। यह क्या है, यह एक एक्सटर्नल लोड है। ये जो आपका सीजी है, फिर से जानते हैं डायरेक्ट लोड का डेफिनेशन, द एक्सटर्नल लोड विच एक्ट ऑन डायरेक्ट सेंट्रोइडल एक्सिस, या बोल सकते हैं द एक्सटर्नल लोड विच एक्ट ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस।
जो आपका एक्सटर्नल लोड है वह सेंट्रोइडल एक्सिस में एक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट लोड। अब चलिए डिफिनेशन जानते हैं। डिफिनेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। डिफिनेशन यहाँ पर क्या कहता है वह पढ़ लेते हैं। बोलता है व्हेन द लोड एक्टिंग ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस, सेम जैसे हमने इजी लैंग्वेज में समझाए वैसे ही आपको यहाँ पर हो गया। अब ये एक्सटर्नल लोड है, इसको हम डायरेक्ट लोड भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट लोड भी बोल सकते हैं। ये हो गया, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए डेफिनेशन। उसके बाद अगला पॉइंट हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वह इसेंट्रिसिटी लोड क्या है। हम डायरेक्ट लोड को समझ गए हैं, उसके बाद अब इसेंट्रिसिटी लोड मेरा क्या है, इसेंट्रिसिटी लोड क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए कोई भी समझने से पहले उसका रीजन जानिए, रीजन क्या है, वो क्यों हम पढ़ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसके बारे में जानिए। तो हम चलते हैं डायरेक्ट लोड को हम पढ़ते क्यों हैं, डायरेक्ट लोड की आवश्यकता हमें क्या। आप एक ऐसे इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का काम ही होता है उसका अंत, उसका तह तक जाना, उसका अगर सोच पकड़ना ताकि पूरा का पूरा नॉलेज गेन हो सके। ऐसे नहीं डायरेक्ट लोड का डेफिनेशन सेमेस्टर में लिख दिया हो गया, नहीं आप फील्ड वर्क में जाएगा तो क्या जानिएगा। डायरेक्ट लोड हम क्यों पढ़ते हैं, हमको पता ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे कुछ, उससे बढ़िया हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए डायरेक्ट लोड पढ़ने का हमें यह जरूरी पड़ा, कोई भी आप स्ट्रक्चर फील्ड में बनाते हैं इन्वायरमेंटल में बनाते हैं तो उस पर सडनली लोड आता है, सडनली एक्सटर्नल लोड आता है, तो बनाने से पहले अगर उस सडनली लोड का कैलकुलेशन हम कर ले, बनाने से पहले समझिएगा, बनाने से पहले अगर हम उस टोटल लोड सडनली जो आ रहा है एक्सटर्नल के कारण रीजन के कारण उसको अगर हम कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेरा सेफ होगा स्ट्रक्चर। अब वही आप ऐसे जैसे बना दिए हैं, ऐसे तैसे बना दिए हैं, कैलकुलेट नहीं किए, हमें पता ही नहीं है। जैसे गांव देहात का जो मिस्त्री होता है उसको अच्छा से नॉलेज नहीं रहता, वो बना देता है, उस पर अगर एक्सटर्नल लोड आ गया सडनली ज़्यादा मोर देन तो स्ट्रक्चर तो फेल हो जाएगा। तो इंजीनियर का बना हुआ स्ट्रक्चर अगर फेल हो जाएगा तो आप इंजीनियर क्या है। तो चलिए हम मुद्दा में चलते हैं। मुद्दा मेरा यह है कि इसेंट्रिक लोड क्या है, व्हाट इज इसेंट्रिक लोड, एनीवे व्हाट इज इसेंट्रिक लोड। देखिए इसेंट्रिक लोड कहने का मतलब सिंपल सा डिफिनेशन इसका हो जाता है कि वैसा लोड जो सेंट्रोइडल एक्सिस पे नहीं लगता है, यानी सेंट्रोइडल एक्सिस पे लोड नहीं एक्ट करता है, सेंट्रोइडल एक्सिस पे एक्ट करने के बजाय उसके पैरेलल एक्ट करता है, मतलब उसके साइड में कंसीडर में एक्ट करता है। देखिए फिगर समझते हैं, जैसे यह एक मेरा रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसका तो सेंट्रोइडल एक्सिस मान लीजिए सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पर है, सी जी इसका यहाँ पर लाइज कर रहा है, तो जो मेरा एक्सटर्नल लोड एक्ट होगा समझिएगा वह इस सेंट्रोइडल एक्सिस पे ना एक्ट हो गया उसके पैरेलल एक्ट होगा। ये क्या है मेरा, ये जो है वह है बोले तो एक्सटर्नल लोड, ये क्या है मेरा, यह बोले तो एक्सटर्नल लोड या आप बोले तो इसेंट्रिसिटी लोड, समझेंगे अच्छा से, यह मेरा क्या इसेंट्रिसिटी लोड है। तो यह जो लोड है समझेगा, यह जो लोड है वह सेंट्रोइडल एक्सिस पे ना ऐड करके उसके पैरेलल ऐड करता है, उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी लोड। अब हमें इसेंट्रिसिटी लोड पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ा, तो ऐसा थोड़ी ही है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाए हैं उस पर जो एक्सटर्नल लोड सडनली आ रहा है वह आपका सी जी पर ही लाइज करे, नहीं ना, हो सकता है पैरेलल भी लाइज करे, हो सकता है नहीं भी लाइज करे। तो एक सिविल इंजीनियर यानी एक इंजीनियर का काम यही होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, सिविल का ब्रांच सिविल इंजीनियर का काम है कि कोई भी स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले चीप होना चाहिए, इजी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और साथ साथ वह मोर टिकाऊ भी हो ताकि हर सिचुएशन को झेल सके। टिकाऊ कब होगा, मजबूत कब होगा, लाइफ टाइम कब होगा, जब वह हर सिचुएशन को झेल सके, हर सिचुएशन को कंसीडर कर सके, वही सिविल इंजीनियर होता है।
तो यही एक लोड है, इसेंट्रिसिटी लोड, जिसको हम बोलते हैं पी, स्टैंडर्ड लोड आ रहा है तो इसको हम इसेंट्रिसिटी लोड बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा किसका, वह इसेंट्रिसिटी लोड का। तो बोलता है कि व्हेन द एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन द पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस, हम क्या बोले थे कि जो एक्सटर्नल लोड सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल में एक्ट करता है इसेंट्रिसिटी लोड बोलता है। अगला पॉइंट बोलता है कि बट नोट एक्ट ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि पैरेलल एक्ट कर रहा है लेकिन सेंट्रोइडल एक्सिस पे एक्ट नहीं कर रहा। अगला पॉइंट इसका मतलब होगा कि लाइन ऑफ एक्शन एक्सटर्नल लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कंसाइड कर रहा है सेंट्रोइडल एक्सिस कॉलम को, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के कॉलम को कंसीडर कर रहा है उस लाइन ऑफ एक्शन एक्सटर्नल लोड को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी लोड। तो चलिए आप यहाँ डिफिनेशन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट जो हम चलते हैं वह इसी में समझें, फिगर मेरा यही रहेगा लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा रहेगा, दूसरा मतलब पॉइंट दूसरा रहेगा सॉरी। अगला जो पॉइंट है वह इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या है, व्हाई यू इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होता है का व्हाट इसेंट्रिसिटी, आई डोंट नो इसेंट्रिसिटी, तो यू नो इसेंट्रिसिटी। देखिए इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी एक ऐसा डिस्टेंस है, इसेंट्रिसिटी कोई बड़ा बड़ा टॉप नहीं है, सिविल इंजीनियर में बड़ा टॉप जैसी भी है सबको बोला जाता है वो सब नहीं है, इसेंट्रिसिटी कुछ नहीं है, एक माइनर सा डिफिनेशन है क्या, तो एक डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस है, कैसा डिस्टेंस, फिगर पे समझिए। इसेंट्रिसिटी जो होता है वह एक तरह का डिस्टेंस होता है। अब बात आता है कि किसका डिस्टेंस होता है, देखिए इसेंट्रिसिटी जो डिस्टेंस होता है वह आपका सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस और जो आपका लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जिस लाइन में आपका एक्सटर्नल लोड एक्ट हो रहा है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये इसेंट्रिसिटी क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी होता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन ऑन एक्सटर्नल लोड, जिस लाइन ऑफ एक्शन में मेरा एक्सटर्नल लोड एक्ट हो रहा है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। तो लाइन ऑफ एक्शन तो आपका ये वाला है और आपका सेंट्रोइडल एक्सिस, तो मिनिमम को माइनस साइन होता है मिनिमम। अब हम चलते हैं डायग्राम की ओर, तो डायग्राम आपको बोले थे कि जो आपका मैक्सिमम होगा वह नीचे होगा और जो आपका सॉरी मैक्सिमम नहीं, जो पॉजिटिव साइन होता है वह नीचे होता है और जो नेगेटिव साइन होता है वह ऊपर होता है। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ये आपको पॉजिटिव साइन शो कर रहा है और दोनों को इस तरह से मिला दीजिए, ये आपका सिग्मा मैक्स हो गया, ये आपका सिग्मा मीन हो गया, ठीक है, इस तरह से सिंबल बना देते हैं। बात आता है कि अब हम इस तरह से तो आप समझ गए होंगे, तो आप नोट करते हैं, तो नोट करने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन का तैयार गलत आंसर आप लिख लीजिए कि जब आपका डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन होगा बेंडिंग स्ट्रेस से तब क्या होगा, तो बोलता है कि जब डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन है बेंडिंग स्ट्रेस से तो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो विल बी पॉजिटिव होगा और जो आपका मिनिमम स्ट्रेस होगा विल बी नेगेटिव होगा। सो सेम स्ट्रेस टेंसाइल एंड यानी कि तब कुछ स्ट्रेस जो होगा वह टेंसाइल नेचर के होंगे और कुछ स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव नेचर के होंगे, मतलब आप पॉजिटिव, अब यहाँ नया टर्म देते हैं कि पहले समझ लेते हैं, नया मिटाते हैं, टेंसाइल नेचर का कैसे होगा और कॉम्प्रेसिव नेचर का कैसे होगा, ठीक है। टेंसाइल नेचर दो नेचर आया और एक कॉम्प्रेसिव नेचर आया, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यह है स्ट्रक्चर है, इस पर जब हम मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, यानी कि यह तना रहा है, इसमें टेंशन आने की वजह से मैक्सिमम आता है, कॉम्प्रेशन मतलब दब रहा है, दबने की वजह से पॉजिटिव आता है, सॉरी दबने की वजह से निगेटिव आता है। तो अगला जो केस है आपने नोट कर लिए होंगे, अगला जो तीसरा पॉइंट है वह बोलता है कि जब इक्वल होगा तब क्या होगा, हम तो समझ लिए कि ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, कम है तो क्या हो रहा है। तीसरा रीजन है कि जब आपका डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से इक्वल है, तो जब आपका डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से इक्वल होगा तो जो आपका मिनिमम स्ट्रेस है, मिनिमम स्ट्रेस जीरो होता है, क्या बोले, जब आपका डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से इक्वल है तब आपका जो मिनिमम होगा वह जीरो हो जाएगा
और जो आपका मैक्सिमम होता है वह जो होता है वह ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एज ए बेंडिंग स्ट्रेस बोलता है क्या, तो ट्वाइस होता है मतलब ट्वाइस मीन्स दुगना होता है किसका भाई, तो ट्वाइस जो होता है वह मैक्सिमम स्ट्रेस ट्वाइस होता है ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस का, यानी कि टू टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस का होता है बेंडिंग स्ट्रेस का, टू टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस या तो बेंडिंग स्ट्रेस का। फिर से समझते हैं इसको, जब मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल है बेंडिंग स्ट्रेस का मिनिमम तो मेरा जीरो हो जाएगा, और जो आपका मैक्सिमम आता है वह टू टाइम्स डायरेक्ट स्ट्रेस का होगा या तो बेंडिंग स्ट्रेस का होगा। और इसका जब डायग्राम हम बनाने चलेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम तो जीरो है, तो जीरो मिनिमम यहीं पर रहेगा, मैक्सिमम टू टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस है, इस तरह से इसका जो आता है वह डायग्राम आता है, इस तरह से आपका जो है वह डायग्राम आता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा टू टाइम्स तो नोट कर लीजिए। सो आज का सेशन आपका यहीं तक रह लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। आई होप आप कमेंट कीजिएगा आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू फुल लास्ट वॉचिंग वीडियो।